हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। यह एक वीडियो जो है जिसमें आपके आधुनिक काल से रिलेटेड वो सारे के सारे पॉइंट दे रखे हैं जो आपके सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो आधुनिक काल से। आधुनिक काल की उत्पत्ति 1868 से मानी जाती है और ये अब तक मतलब वर्तमान समय तक जो काल चल रहा है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। अब इस काल में जो विभाजन किया गया है इस काल का वो निम्न प्रकार से किया गया है। पहला था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है और भारतेंदु को जो है वो नवजागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। ये काल 1868 से लेकर सन 1900 तक चला। इसके बाद आया द्विवेदी युग जिन जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। ये 1900 ईस्वी से लेकर 1922 तक चला। इसके बाद आया शुक्ल या छायावादी युग। शुक्ल युग का जो नाम है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इसे विभूषित के नाम को कहा गया और ये 1919 से लेकर 1938 तक चला। इसके बाद आया छायावादोत्तर युग। ये 1938 से लेकर अब तक जो चल रहा युग वर्तमान समय तक वो छायावादोत्तर युग कहलाता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाएं और उनकी पत्रिकाओं के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। अब देखिए भारतेंदु युग को कहा क्या जाता है। वैसे मैंने बताया कि भारतेंदु को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसके प्रवर्तक या संस्थापक थे। इन्हें नवजागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रचनाकार इस युग के कौन कौन से थे? तो प्रमुख रचनाकार में सबसे पहले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी भारत दुर्दशा, धनंजय विजय सुलोचना, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी। इसके बाद लाला श्रीनिवास दास थे जिन्होंने परीक्षा गुरु लिखी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि है आपकी बालकृष्ण भट्ट ने राजा और प्रजा नाम का की रचना लिखी। तो ये जो तीन प्रमुख कवि रचनाकार दे रखे हैं ये हैं हमारे भारतेंदु युग के। इनसे एक क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसने लिखी थी जो कि भारतेंदु युग की है, या भारतेंदु युग को दूसरे किस नाम से ना जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके यूपीटेट जूनियर के पेपर में वो है प्रमुख पत्रिकाएं इस युग की कौन कौन सी थी? तो इस युग की प्रमुख पत्रिका जो थी वो थी कवि वचन सुधा जिसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसका जो प्रकाशन स्थान था वो काशी था। दूसरी थी हिंदी प्रदीप, इसके जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट जी और ये इलाहाबाद से संपादित होती थी। आनंद कादम्बनी ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्रीनाथ दास चौरी, इनका उपनाम था प्रेमघन, ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती है और ब्राह्मण जो है वो प्रताप नारायण मिश्र ने संपादित करी और ये कानपुर से संपादित होती है। तो ये थे हमारी वो प्रमुख पत्रिकाएं जो इस भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई, उनके संपादक कौन थे और उनका प्रकाशन स्थान कौन था। यूपीटेट जूनियर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन जूनियर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये था आधुनिक काल का पहला युग भारतेंदु युग की कुछ सारांश वाली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।